राहुल गांधी की बातों को लोग कॉमेडी के रूप में देखते हैं, राहुल गांधी की मजाकिया बातों पर लोग हंस सकते हैं, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। लोगों का भरोसा है तो मोदी की गारंटी पर कि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करके रहते हैं। मोदी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी है, जो कहा है वो करके दिखाया है, और पिछले 10 सालों में जो जो वादे हमने किए थे वो वादे पूरे करके दिखाए हैं, चाहे वो राम मंदिर का वादा हो या अनुच्छेद 370 का वादा हो। आज एक देश में नई चेतना का संचार हुआ है, देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। इंडिया गठबंधन, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, अगर जनता से कोई भी वादा करेगी तो उस वादे को पूरा करने की गारंटी है। समाजवादियों ने तो जो कहा है वो करके दिखाया है, और जितने काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, चाहे वो एक्सप्रेस वे का हो, मेट्रो का हो, नौजवानों को रोजगार देने का वादा हो, उन सब वादों को समाजवादी पार्टी ने पूरा किया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी जो वादे किए हैं नौजवानों से, वो सब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलकर पूरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों पर अब जनता को कोई भरोसा नहीं। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करा दें, शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ज़ेबा खान जो कि कांग्रेस के नेता, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। ज़ेबा खान जी, एक तरफ मोदी की गारंटी और दूसरी ओर राहुल की गारंटी, अच्छा ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में हालांकि थोड़ा सा वक्त बचा है, प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, अंतिम रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन इस बीच गारंटी राहुल भी दे रहे हैं, क्या पीएम मोदी की गारंटी के नक्शे कदम पर राहुल गांधी, या फिर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इधर उधर की बातें ना करके जनता के मुद्दों को उठाया जाए? राहुल जी हमेशा जनता के मुद्दों को ही उठाते हैं, ना के झूठ और ना के जुमलेबाजी। जिस तरह 2024 में मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे और बोले थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी और इस तरह महंगाई कम होगी, लेकिन कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन राहुल गांधी जुमले नहीं देते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज तक राहुल गांधी जी ने जो जो बात बोली है, आप उठाकर इतिहास देख लीजिए, वो बात झूठा नहीं हुआ है। हर बातें सच होती है, एक एक लॉजिक होता है राहुल जी के बातों में, झूठ नहीं होता है, फरेब नहीं होता है और छल नहीं होता है। तो झूठ और फरेब और छल, आप बात किसकी कर रही हैं? मोदी जी जो भी गारंटी देते हैं सब झूठ है, सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गारंटी देते हैं। शरद त्रिवेदी जी आप देख लीजिए, शरद त्रिवेदी जी, पीएम मोदी गलत, आपकी पार्टी गलत, आपकी सरकार गलत, केवल सही राहुल गांधी और कांग्रेस। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 मिनट, 15 लाख। शरद त्रिवेदी जी देखिए, राहुल जी सबसे पहले तो अभी पुरानी कहानी तो हम कहां दोहराएं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है कि कर्नाटक में इन्होंने जो स्कीमें बताई थी हम क्या क्या फ्री दे देंगे, उसमें 56,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आ गया है राज्य सरकार के ऊपर। अब वो बगले झांक रहे हैं, पहले तो वहां का कर लें, बाकी तो बहुत अच्छी बात है, जितनी गारंटी देनी दे दें। हमने तो जो कहा था करके दिखा दिया, 370 कहा था करके दिखा दिया, राम मंदिर था करके दिखा दिया, CNRC था वो करके दिखा दिया, हमने कहा कि हम मकान देंगे, मकान दे दिए, 43 लाख मकान सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिए हैं, हमने कहा कि पानी के कनेक्शन दे देंगे, 11 करोड़ पानी के कनेक्शन दे दिए गए, हमने कहा कि सबको भोजन के लिए से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, 85 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, हमने कहा था कि हम हाईवे कैपिटल बना देंगे उत्तर प्रदेश को, आज की तारीख में 40% टोटल हाईवे पूरे भारत के उत्तर प्रदेश में है, ये हमने करके दिखा दिया है। राज आप केंद्र में देखें कि जब इनकी सरकार थी 91 में तो $1 बिलियन का भारत का विदेश मुद्रा भंडार था, आज $600 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, इनके समय में कितना एक्सपोर्ट होता तो वो खुद बता दे, आज हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट भारत ने किया है जो कि $800 बिलियन का है। तो हमने जिस तरह का हमने जो कहा था वो हमने करके दिखा दिया है, और आगे भी हमने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बन रही है, हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को जो है तीसरे नंबर पे ले आएंगे, हम तीसरे नंबर पे ले आए, ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे लाने को कहा था वो ले आए, हमने कहा था माफिया को खत्म कर देंगे, हमने माफिया की कमर तोड़ दी उत्तर प्रदेश में, संगठित माफिया खत्म हो गया है। इन्होंने तो अब इन्होंने पहले कहा था कि नहीं साहब हम तीनों राज्यों में हमारी सरकार जीतेगी, जो ये पदयात्रा करने निकले, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसे तो कांग्रेस के नेता यहां फरेब झूठ के अध्यक्ष का पत्ता वो भी इनके उसे फरेब झूठ और छल करार दे रही हैं।
ब्रिजभूषण सिंह को सजा हुई क्या? सामने है, जनता मोहर लगा रही है इस पे। 10 साल से उत्तर प्रदेश में हम 6 बार जीते हैं, 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 2 बार निकाय चुनाव में हम जीते हैं। भारत में जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद से इनका पारा गिरता चला जा रहा है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो इन्होंने कहा था उससे कम से कम 8 गुना हमने करके दिखाया। इनके जो रिमोट कंट्रोल सरकार थी उसमें प्रोफेसर भुवन जी सड़क बनी प्रोफेसर थी। आज की तारीख में वहां मोदी की गारंटी, वहां राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी कुछ गारंटी देंगे, सड़क बना के दिखा दी है, फिर जीत की गारंटी कैसे तय होगी आप लोगों की? देखिये 2014-2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो वादे थे, 2 लाख करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी, 15 लाख अकाउंट में काला धन आएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुई महंगाई की मार, ये सारे वादे को माननीय अमित शाह जी ने कह दिया, ये चुनावी जुमला था। अब ये नए, इसको नए नाम से आदरणीय मोदी जी लाए हैं, वो है मोदी जी की गारंटी। अब उसको फिर चुनाव के बाद ये जुमला कह देंगे। और आज आपने मेरे से प्रश्न पूछने का काम करा, आपने कहा माननीय अखिलेश यादव जी क्या करें, हम तो एक ही बात कह रहे हैं और शुरू से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पीडीए प्लस इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी उत्तर प्रदेश में, देखिए अब क्या हो रहा है, पूरे देश की बात उन्होंने कही थी उत्तर प्रदेश में, आज लट पड़ रहे नौकरी में जो मांग रहे, परीक्षा लीक हो रही है, लट पड़ रहे उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है नौकरी मांगने वालों को। किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी और किसानों की हत्या हो गई, 750 किसानों की हत्या हो गई आंदोलन में, और देखिए बॉर्डर में किसान है, आज किसान और जवान को सामने आमने सामने कर दिया, 15 लाख अकाउंट में हम लोग अकाउंट में तो आए नहीं, काला धन तो सफेद धन। चलिए वहां मोदी की गारंटी है, योजनाओं के तहत जा रहे हैं, राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं, अब तो अखिलेश यादव गारंटी कब देंगे, उनकी भी कोई गारंटी है? तो गारंटी है हमारी, नेता ने तो सबसे बड़ी गारंटी दी है, और सबसे बड़ी गारंटी यह है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को लेकर, और हम लोग बिल्कुल उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक, अगर कोई सदन तक संघर्ष कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और ये पीडीए का सूत्र को पूरे देश का आंदोलन बनाने का अगर किसी ने करा तो माननीय अखिलेश यादव जी का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़ा और उन्होंने कहने का काम करा आदि आबादी, तो निश्चित तौर पर हम लोग तो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और अभी मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जागरूक पत्रकार हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अब सारी जीतों का बता रहे थे, जागरूक पत्रकार नहीं है, प्रवक्ता है, प्रवक्ता साथी हमारे मित्र है वो, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप अभी अपनी जीतों का उदाहरण बता रहे, घोसी तो भूल गए जिसमें कप्तान माननीय मुख्यमंत्री जीते, कप्तान राजभर जीते, क्या स्थिति रही आपकी, 40,000 से आपको हरा दिया। मेरे ख्याल से पब्लिक का जो लास्ट चुनाव था वो केवल घोसी का था, और वो परिणाम बता रहा है कि आपकी विदाई उत्तर प्रदेश की जनता ने। शरद त्रिवेदी जी, विदाई उत्तर प्रदेश की जनता ने लिख दी, और दूसरी ओर राहुल गांधी भी पटकथा लिख रहे हैं। राहुल जी, एक गाना है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, इनका अपना नहीं पता है कि ये अगले घंटे किसके साथ कौन खड़ा होने वाला है। इनका आप देखें कि इनके पहले ये अभी 6 महीने पहले जो ये गठबंधन लाए थे उसमें आधे तो इनके साथ नहीं है, और जो जो इन्होंने कहा था वो इन्होंने करके दिखा दिया। 93 में जब इनके बार पहली बार सरकार आई थी तो 28 विधायक, इतनी अच्छी बहस हुई कि वो विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए, बहन जी पे हमला किया, ये पहली पार्टी है जिसने अपने सीनियर आईएएस अफसर को मारा, जो इनके सांसद अतीक अहमद साहब हैं, उन्होंने जो गौतम जो नोएडा के चेयरमैन है उनको उन्होंने उनके घर में घुस के मारा, तो ये क्या इन्होंने काम किया वो तो सामने दिख रहा है। आप पिछले 2012 से लेके आज तक कोई भी चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, और कांग्रेस क्योंकि वो जमीन से जुड़ी पार्टी, उनको पहले ही पता था कि इनका क्या भविष्य है। राहुल जी वायनाड चले गए और चुनाव से राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी की राज्यसभा में ज्वाइन कर लिया है। राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है वो बता दे, भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, युवा पर फोकस है उनका, और खुद भी युवा कहते हैं अपने आप को। शरद जी, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका। 5 जो उनकी गारंटी है वो बता रहे हैं, भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरी भरी जाएगी,
पहली नौकरी पक्की यानी कि एक साल के लिए 1,00,000 रुपए पर 25 साल में कम डिप्लोमा धारक कॉलेज ग्रेजुएट का प्लेसमेंट कराएंगे वो। पेपर लीक से मुक्ति की बात कही। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, देश के सभी जिलों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप, जो कि आप लोग भी स्टार्टअप लेकर आए थे जिसकी बात आप लोग करते हैं, यही चीजें राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि अब मुद्दों की बात है, वो उसको पूरे करने हैं जो जीत के आने वाला है। जिसको जीतना ही नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन से वादे कर रहे हैं। और ये चुनाव केंद्र का है, ये राज्य का चुनाव नहीं है। इसमें जितनी आपने बातें बताई हैं और हमारे मित्र ने बताई हैं, वो सारी बातें राज्य सरकार के हाथ में है। तो ये तो चुनाव केंद्र सरकार का है। आप केंद्र सरकार में आके राहुल गांधी बरगला रहे हैं क्या वोटर्स को? ये कहानियां सुनाने में क्या जा रहा है? अरे देगा वो जो जीत के आएगा, जिसे मालूम है कि हमें नहीं जीतना, हमारी जमानत है। जब जेवा खान जी ऐसा है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी कह दीजिए आप। देखिए राहुल जी, ये तो जनता जनार्दन का अपमान है। चुनाव से पहले ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो क्या ये सारे सिस्टम आप लोग सेट करते हैं क्या? वोट से पहले ईवीएम के द्वारा सेट किया जाता है क्या? और हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं। कर्नाटक में आप लोग जो पहले वादे किए थे, आपने तो पूरे सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए काम किया। आप लोगों का मकसद ही नहीं है कि देश के युवाओं को नौकरी दे। महिला सुरक्षा से मतलब नहीं है आप लोगों की। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है कि पूंजीपति और जो अडानी और अंबानी को और कैसे ज्यादा पूंजीपति बनाया जाए। आपका फोकस सिर्फ इसी पर है। नहीं, आप लोगों की सरकारों में उद्योगपतियों को बुलाया नहीं जाता। को कितना बेवकूफ बनाया जा सके। ठीक है, आपका मकसद ये भुवन जोशी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। आपके साथ ही 60 से ज्यादा सीट उन्होंने रखी है, 17 ही आपको दी है। सुन लीजिए जोशी जी को, सुन लीजिए, शर्म कीजिए भारतीय जनता पार्टी। जोशी जी को सुन लीजिए, कांग्रेस पर और राहुल गांधी जी पर उंगली उठाने से पहले। कांग्रेस का मतलब ही है राहुल गांधी, कांग्रेस का मतलब ही राहुल गांधी, जोशी जी जैसे समाजवादी पार्टी का मतलब है अखिलेश यादव। देखिए मैं शरद त्रिवेदी जी को बता रहा हूँ, जेबा जी नरेंद्र मोदी नहीं है क्या? जेबा जी नहीं, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, वाह, सिर्फ अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री है? नहीं, आपके है कि नहीं है? नहीं, हमारे तो है, हम तो सबके हैं फिर। लेकिन जोशी जी बोलिए, आप अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है वो बता रहे थे कि इन हमारे कार्यकाल में किसकी हत्या हुई। मैं बताता हूँ, आपने नया ट्रेंड सेट करा है। आदरणीय मोदी जी की सरकार में एक नया ट्रेंड हुआ, किसानों की हत्या के लिए अब कोई आतंकवादी या क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गृह राज्य मंत्री का बेटा ही काफी होता है, वो निकल जाता है अपनी थार लेके और किसानों की हत्या कर देता है। 54,00,000 करोड़ का कर्जा था देश पर जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता ली थी। आज 205,00,000 करोड़ हो गया। अब बताइए कितना कर्जा बढ़ गया। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, निश्चित तौर पे जो वादे थे वो वादे जुमले बन गए, जुमले अब नई गारंटी बन गए, और गारंटी उसके बाद माननीय अमित शाह जी कहेंगे सब जुमले थे। तो निश्चित तौर पर ये ट्रेंड को पब्लिक समझ चुकी है। आज किसान, आज पब्लिक तो समझ चुकी है, बस पब्लिक आप लोगों को भी समझ ले, क्योंकि ये जो हार का सामना कर रहे हैं आप लोग, उस पर थोड़ा विराम लग जाए और वाकई मुद्दों की लड़ाई हो तो समझ में भी आता है। अब मोदी की गारंटी, अब राहुल की गारंटी, अखिलेश यादव की गारंटी तो आप बता ही रहे हैं, अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। ये तो चुनाव में दिखेगा, चुनाव परिणाम बाद दिखेगा कि किसकी गारंटी बेहतर रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए।